हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश है और आज मैं बात करने वाला हूँ फ्री में वेबसाइट कैसे बनाएंगे और बिल्कुल बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं और हम एक एक चीज़ सीखेंगे, कैसे मेन्यू ऐड करेंगे, कैसे टाइटल ऐड करेंगे, कैसे इमेज ऐड करेंगे। तो आज हम हर एक स्टेप स्टेप बाई स्टेप देखेंगे और बहुत ही इजी वे है। आप एक वेबसाइट अपना बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उसको पब्लिकली लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो गूगल में जाना है आपको और लिखना है गूगल गूगल साइट, एंटर करेंगे और इस वाले न्यू गूगल साइट पर क्लिक करेंगे। अब इसमें जो है यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब बिल्कुल फ्रेश बनाना है आपको, या कोई रेडीमेड टेम्पलेट है उसके ऊपर आप बनाना चाहते हैं। और भी बहुत सारे टेम्पलेट है इसमें, आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल करके तो बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि रेडीमेड में मैं काम करके एडिट करके अपना काम कर लूँ तो रेडीमेड यहाँ से यूज कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बनाएंगे फ्रेश फाइल, बिल्कुल ब्लैंक होगा और हम एक एक चीज़ें सीखेंगे कैसे ऐड करेंगे। जब आपको पता चल जाएगा तो आप रेडीमेड आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इस पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आपका जो है टाइटल पूछ रहा है कि आपका वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, मतलब आपके जो अंदर जो इंडेक्स के अंदर ये टाइटल क्या होगा। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे गूगल वर्क स्पेस लैब। इसका फॉन्ट हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से 30 कर देता हूँ, लेफ्ट राइट ये सेंटर यहाँ से अलाइन हो जाएगा। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हेड टाइटल बनाना चाहते हैं टाइटल बना सकते हैं, यहाँ पे आप फॉन्ट का इस्तेमाल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। प्लाटो था ये जो भी है, मतलब यहाँ पे आप जो है जॉर्जिया यहाँ से। गूगल तो यहाँ से हो गया आपका, यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं गूगल वर्क स्पेस लैब, और यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। सॉरी ये गलत क्लिक, ये देखिए ये गूगल वर्क स्पेस लैब आ गया। तो यहाँ पे आप छोटा स्मॉल भी कर सकते हैं GWL। यहाँ से आप लोगो ऐड कर सकते हैं, अगर कोई लोगो हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फोटो लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ओके करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ गया। और अगर ये वाला कंटेंट यहाँ पे आप बैनर लगी ये वाला कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं, तो इमेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट इमेज, यहाँ से आप इमेज लगा सकते हैं, इस तरीके से आप इमेज लगा सकते हैं। आप यहाँ से आप बैनर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लार्ज करेंगे बड़ा हो जाएगा, बैनर करेंगे ये इतना, टाइटल रखना चाहते हैं सिर्फ इतना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं बैनर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ से है देखिए ये हाईलाइट करने के लिए होता है, ये देखिए ये यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं आप, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और अब जो है बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो मेनू बार है यहाँ पर मेनू लगाना है हमें, या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। ये बेसिकली पेज होता है, यहाँ पे हम पेज ऐड करेंगे, ये मेनू होता है और मेनू के अंदर हम सब मेनू ऐड करेंगे और ये सारे फंक्शनैलिटी हम चेक करेंगे क्या क्या है, इनका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले पेज में जाएंगे, यहाँ पे होम डिफ़ॉल्ट में होता है, यहाँ पे आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है और लिखना है यहाँ पे आपको, अब आप कोई सा भी आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें होम आ गया, उसके बाद जाकर MIS आ गया, यहाँ पे डन करेंगे, देखिए MIS आ गया। इसके अंदर ऐसे ही आप अगर फॉर्म्स कर दीजिए, फॉर्म्स, अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। इसके बाद से शीट्स, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसको एप्स स्क्रिप्ट,
और भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्लाइड्स स्लाइड्स डॉक्स, ये देखिए जितना भी आप ऐड करते चले जाएंगे, ये देखिए अभी ये तो पेज है नहीं, अभी ये डॉक्स, ये देखिए आ गया टाइटल इसका, स्लाइड्स ऐप स्क्रिप्ट टाइटल, ये देखिए पेज ऐड होता चला गया, ये जो बेसिकली जो मेन होता है, और यहाँ पे लास्ट में आप डाल सकते हैं अबाउट अबाउट, ये अभी रॉ हो रहा है तो अभी ये इसमें पिक्चर को थोड़ा सा ना, मैं इस पिक्चर को वो कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा दिखने में तो इस पिक्चर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस पिक्चर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दूसरा पिक्चर लगाते हैं थोड़ा सा ब्लैक में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये भी थोड़ा सा भद्दा ही लग रहा है, चलिए कोई नहीं, आप अपने हिसाब से इसमें इमेज लगा सकते हैं, अपने ब्रांड का यहाँ पर नाम लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया पेज, अब इसके अंदर हमें, अब जैसे MIS हो गया, ये देखिए MIS के अंदर मुझे चाहिए कि एक और सब MIS हो जाए, फॉर्म के अंदर फॉर्म हो जाए, शीट के अंदर एक और हो जाए, तो आपको क्या करना है, अभी मैं सिर्फ मेनू और सब मेनू के बारे में बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊँगा, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, आप स्किप ना करें नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अब फिर आप कहेंगे कि वीडियो समझ में नहीं आई। तो अब जो है हम चलते हैं जैसे फॉर्म में ले लेते हैं, फॉर्म में कोई यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, और इस तीन बिंदु पर यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके अंदर आपको करना है सब पेज, यहाँ पर आना है आपको, सब पेज के अंदर लिखना है जो भी होगा, आप दिल्ली लिख सकते हैं दिल्ली, और ये एक और ऐड कर सकते हैं आप, और भी हो सकते हैं, यहाँ पे नोएडा कर सकते हैं नोएडा। तो अब इसका व्यू देखिए कैसे होगा, फॉर्म के अंदर ये देखिए ये ड्रॉप डाउन लग गया, शायद ये कहाँ चला गया, ये इसको उठा के हम यहाँ पे इसके सामने रख देते हैं, ये मुझे लग रहा है इसके अंदर आ गया, ये देखिए ये सब मेनू के अंदर आ गया, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस सब मेनू नहीं बनाना, इस फॉर्म पे फिर से क्लिक करना है और ऐड पेज करना है, और उसको कर देना है नोएडा। तो अब देखेंगे ये दिल्ली नोएडा दो हो गया, तो ये दो पेज हो गया। ऐसे ही आप शीट में ऐप स्क्रिप्ट में कर सकते हैं, डॉक्स में कर सकते हैं, फिलहाल मेरा जो मोटिव है आपको बताना है कि कैसे ऐड करें। अब इसके अंदर भी अगर कोई ऐड करना है नोएडा के अंदर, तो नोएडा के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे ऐड पेज करना है, और यहाँ पे डाल सकते हैं आप जी बी नगर गौतम बुद्ध नगर, और भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए आप 63 सेक्टर 63। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये अब नोएडा के अंदर ही ड्रॉप डाउन बन गया है, यहाँ पे जी बी नगर और ये सेक्टर 63, ये पेज बन गया। तो अब ये इसका काम हो गया, आप अपने देख लिए पेज कैसे बनाते हैं, हम यहाँ से इसको कर दीजिए, अब ये पेज बन गया आपका, अबाउट कहाँ गया, अबाउट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके अंदर हम कंटेंट डालें, कंटेंट कैसे डालेंगे, अब होम पे आते हैं, होम पे आने के बाद आप अब चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ इमेज यहाँ पे डाल दूँ, या फिर इमेज आप डायरेक्ट आप इमेज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ पे कर दीजिए क्लिक, और यहाँ से सेलेक्ट इमेज कर दीजिए, गूगल ड्राइव पे ये हमारा फ़ोटो है, यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी लिखना है दिस चैनल विल प्रोवाइड ओनली जीसूट कंटेंट्स। तो अगर आप यहाँ से फिर इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको टाइटल ना करके हम इसको सब हेडिंग कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, और इसको यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जाके आप कलर वो चेंज कर सकते हैं,
तो इस तरीके से आप यहाँ पे एडिट टेक्स्ट या भी यहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप चार टाइटल एक साथ ले सकते हैं। ये देखिए, चार पिक्चर एक साथ ले सकते हैं। इसका मतलब आप अगर चार चार कॉलम टाइप के बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। दो तीन लेना है तो तीन ले सकते हैं आप। यहाँ देखिए, एक दो छोटा एक बड़ा, इस तरीके से भी आ सकता है। मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे यूज होना है। और कोई फॉर्म है तो इमीडिएट कर सकते हैं आप। यहाँ पे फॉर्म का लिंक आप डाल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे उसका कोड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोई फॉर्म हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। फॉर्म जैसे ये फॉर्म है, इसको मैं ओपन करता हूँ और सेंड में गया और यहाँ पे डेटा इनक्रिप्टेड ये है, इसको मैंने कॉपी किया और साइट पे गया, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। एम्बेडेड कोड यहाँ पे गया इसको और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर दिया। एडिट कोड नहीं करना हमें, ये फॉर्म का यहाँ पे यहाँ फॉर्म इंसर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये फॉर्म यहाँ पे अलग जाएगा। अगर प्रीव्यू देखना है तो आपको प्रीव्यू यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए, अब फॉर्म यहाँ पे बड़े प्यार से लग गया है। देखिए, अब फॉर्म से यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स भरा सकते हैं। तो और यहाँ से ये है टेम्पलेट मोड, टेबलेट मोड में, और ये है मोबाइल व्यू में। मोबाइल में कैसे दिखेगा, इस सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल हम एडिट मोड में चलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा होम पेज का। अबाउट में अगर आप कुछ और लिख, अबाउट में लिखना है फिर आपको ऐसे ही करना है। अबाउट में आप यहाँ पर डाल सकते हैं कुछ भी, आप ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं ऐसे। और जैसे ये फॉर्म है, ये फॉर्म के अंदर MIS के अंदर आप देखिए, यहाँ पे आप जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे बटन लगा सकते हैं। यहाँ पे बटन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि MIS में सेल्स का हो गया, यहाँ पे लिंक डालना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास लिंक है नहीं, फ़िलहाल मैं इसी फॉर्म का लिंक लगा देता हूँ। सेंड स्मॉल कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक बटन लग गया। अगर ऐसे ही फिर और भी बटन लगाना चाहते हैं तो ये मैं लगा देता हूँ परचेज, और ये फॉर्म का लिंक सेम रखता हूँ मैं। आप यहाँ से इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है व्यू मोड में आप देखेंगे, इस पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर फॉर्म का लिंक भी ले लेता है ये, आप यहाँ पर लगा सकते हैं आप। मैं जस्ट मैं बताने कोशिश में हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, बाकी आप अपने हिसाब से कंटेंट का है, मैंने बता दिया है, आप इसको यूज़ करें। और यहाँ पे डिवाइडर है, यहाँ पे डिवाइडर लगा सकते हैं आप। ये डिवाइडर है, इसके बाद फिर आप बटन लगाना चाहते हैं HR, तो ये एक डिवाइडर का काम करता है। डिवाइडर का आप कलर चेंज कर सकते हैं, वो मैं बता दूँगा आगे। ये यहाँ पे YouTube का चैनल आप लगा सकते हैं, YouTube का यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे Google Workspace, Google Workspace Lab, कोई सा भी चैनल आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, ये YouTube का वीडियो यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, मैप लगा सकते हैं, यहाँ पे इंडिया का ले लीजिए, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे इंडिया का आ जाएगा यहाँ पे मैप। ये देखिए, ऐसे ही डॉक्स फाइल,
डॉक्स फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप डायरेक्ट ये डॉक्स फाइल डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही स्लाइड्स है, स्लाइड्स भी डाल सकते हैं, शीट भी डाल सकते हैं, शीट आप कोई भी शीट डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और शीट्स जितने आपके ड्राइव पे पड़े होंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ये देखिए मैं यहाँ पे इसको अटैच करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे ये आ गया है। इसमें टैब के साथ दिखेगा यहाँ पे शीट टैब रेंज, ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल शीट की तरह खुलती है ये। और ये फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं यहाँ पे। चार्ट अगर आपने कोई बना रखी है डायनेमिक तो वो भी यहाँ पे ये उठा लेता है ये। तो अब जो है ये हो गया, मैंने बता दिया टेक्स्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं। ड्राइव में देख लेते हैं ड्राइव में क्या है। ड्राइव अगर फोल्डर कोई शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए यहाँ पे। ये देखिए आपका यहाँ ड्राइव का फोल्डर यहाँ पे आ गया, देखिए ये ड्राइव का फोल्डर आ गया। और इस तरीके से आप बटन लगा सकते हैं। अब ये थीम वाले में चलते हैं, थीम वाले में क्या सीन है। थीम वाले में आपको चार पांच जो चीज़ें हैं यहाँ पे थीम दिया हुआ है, चार पांच ये देखिए अलग अलग तरीके का ये डिजाइन बन जाता है। यहाँ से आप लेवल ये यहाँ चेंज कर सकते हैं, इंप्रेशन इस तरीके से आप देखेंगे आपका टेम्पलेट चेंज हो गया है, पूरा चेंज हो गया है। अबाउट में ये देखिए पूरा आ जाएगा, होम ये देखिए सारा कंटेंट आप यहाँ से अब कर सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बेस्ट जो आपको अच्छा लगे वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो चाहते हैं कि ये जो है ये वाला जो है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये वाले जो रो है मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इस तरफ चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा और ये जो टॉप है इसको साइड में कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अब ये यहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, MIS पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होगी, यहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है। अब इधर नहीं दिखेगी। और बाकी आप शेयर विथ अदर, यहाँ पे आप किसी को एडिट कराना चाहते हैं कि कोई और भी इसको एडिट कर सकता है तो यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसको पब्लिश कैसे करेंगे। बाकी चीज़ें मैंने अब ये आपको इंसर्ट वाले मैंने सारे फंक्शन बता दिए आपको। अब इसको जो है पब्लिश करना है, पब्लिश पे क्लिक करते हैं और ये अभी रॉ फाइल है, आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, मतलब गूगल पे सर्च करेंगे तो नहीं दिखेगा। तो अब इसको जब पब्लिश करेंगे तब ये दिखेगा। पब्लिश पे क्लिक करते हैं और अब ये जो पूछ रहा है कि आपका वेबसाइट का नाम क्या होगा, तो नाम यहाँ डाल देते हैं गूगल वर्क स्पेस लैब। ये रिजर्व वर्ड है, वन कर देते हैं, ये भी रिजर्व वर्ड है, यहाँ पे डाल देते हैं GWL ग्रेट एड्रेस बट इट ऑलरेडी बी टेकन GWL रमेश GWL। ये देखिए ये ले लिया रमेश GWL। अब यहाँ पे ये आपको देखना है कि ये किसको व्यू कराना है, अब इस पर किसको व्यू करना है, यहाँ पे जाके यहाँ पे आप उसमें ऐड कर सकते हैं किसको आप देना चाहते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा, जिस जिसको आप परमिशन देंगे उसी को ये व्यू होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है एनी वन पे है मेरा चैनल ये, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, पब्लिकली है ये, ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्टेड एनी वन इंटरनेट कैन फाइंड ओपन, ये यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ। ये एड्रेस याद रखिएगा बस, ये आपका एड्रेस यहाँ से ये हो गया, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए पूरा और यहाँ से पब्लिश कर दीजिए इसको। अभी देखिए पब्लिश हो रहा है, पब्लिश हो गया। अब मैं यहाँ पे उससे बाहर आ गया हूँ, मैं यहाँ पे नया गूगल खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सर्च करता हूँ तो मेरा टेम्पलेट कैसा आएगा। ये देखिए
ये आ गया googlesites.com view रमेश GWL अबाउट में चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैंने डाला था यहाँ पे ये आ गया है, सेल्स परचेस सब कुछ आ गया है इसमें, ये हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। मेरा जो मोटिव था आपको ये गूगल साइट्स जो है कैसे वर्क करता है, इसमें हम कैसे वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।